إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا مختصر حمد و ثناء تو بعد اے مہینہ جس مہینے دے اندر اساں گزردے پئے ہیں حرمت والا مہینہ ہے جنہ نا رجب ہے ای مہینے دی عظمت شان اور مقام رب تعالیٰ نے اسمان و زمین دے پیدا کرن تو بھی پہلے بنا چھوڑیے اللہ سنا سورۃ توبہ دے اندر اعلان فرمیندن ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا مہینے دی تعداد اللہ نے 12 بنائی ہے انہیں 12 مہینے دے وچوں 4 مہینے ایسے ہیں جڑے حرمت والے ہیں لڑائی جنگ و جدال حرام ہے وہ 4 مہینے کیڑے ہیں 3 مہینے کٹھے متصل ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم اور 4th مہینہ رجب دا ہے گویا کہ رجب دا مہینہ اور محرم دا ذوالحج دا اور ذوالقعدہ مہینہ انہیں دی حرمت انہیں دی عزت اور مقام رب تعالیٰ نے روز اول تو ہی بنا چھوڑیے کہیں دی شہادت نال کہیں دے وفات دے نال انہیں مہینے دی شان و عظمت ودھ دی اور گھٹ دی نہیں رہن دی رجب دا مہینہ ان اندر دو نسبتہ ہیں جڑا میں اللہ دی توفیق دے نال انہیں دے متعلق گوش و گزار کرن دا ارادہ ہے پہلی نسبت ایک معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جتنا انبیاء کرام بھیجن ہر نبی کو بطور ثبوت و دلیل بے اگر قوم مطالبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں واسطے معجزات بڑھائیں مشہور بات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کو سوٹی عصا اور ڈنڈا جڑا اتلے سٹیندے ہن تے ناک بن ویندا ہا قوم نے جو مطالبہ کیتے تسا نبی جو ہی وے اپنے آپ کو نبی سرین دیو کوئی ثبوت دیو کوئی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ سوٹی تلے سٹی اور ناگ بن گیا سانپ بن گیا اپنا ہاتھ مبارک گربان دے وچوں کڈیے او چندر علی کار روشن بن گئے بھی یہ دلیلہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار قریش مشرقین مکہ نے آ کے سوال کیتے کہ تسا اپنے آپ کو نبی سجوندے ہو ساڑا ایک مطالبہ ہے او تسلیم کر گنو اسا ایمان گنا اس اگر او سارا مطالبہ تسلیم نہیں پھر کریں دے پیچھے اسا تو کو نبی نہیں منیں دے انہیں دے مطالبے ہک نہ ہن بے شمار مطالبے
ये जरा मुतालबा वो करें पन ए मीना दे मैदान अंदर खड़े होके ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू आ दी मैं नबी हाँ चांदर को डू टुकड़े कर दे चांदर को डू टुकड़े कर ले असा देखो नबी मने सू नबी अलैहि सलात व सलाम ने अपनी उंगली मुबारक चांदर की तरफ इशारा किते उंगली मुबारक चांदर दुते बांध के लगी नहीं जिमें जो हजरत मूसा अलैहि सलाम की सोटी बांध के पानी ते लगी है सड़क निखतन पत्थर दुते बांध के लगी है सोटी चश्मे निखतन नबी अलैहि सलात व सलाम की उंगली मुबारक चांद ते लगी नहीं सिर्फ इशारा किते इशारे दे नतीजे दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने चांद्र दे डू टुकड़े कर लीते लेकिन वो कुफार मक्का वल भी ईमान नहीं गिंदा किस्म किस्म के मे मुतालबे हत्ता के एक जात सिरों ने दी मुतालबे दी लिस्ट आके बहमन ऐ नबी अगर तू वाकई ही नबी ही में साढ़े सामने फलानी शह गिन के आ फलानी शह गिन के आ मसला नहीं आई कई सूरत है सूरत बनी इसराइल 15:12 आयत नंबर 90 आदन वकालू मुशरकी ने मक्का आखड़ लगदन लन नो मीना लका लन नो मीना हरगिज हरगिज असा ईमान नहीं गिनना वना तेरे नाल हत्ता तफजुरा लना मीनल अर्द यंबुआ कि जमीन दे विचो जे तक तू एक चश्मा न कढ देसे साढ़े सामने चश्मा निकले को देख सू पीछे ईमान गिनना सो वरना सा ईमान नहीं गिनना दे। अच्छा चलो ये भी छूट है औ तो कून अलग जन्ना चश्मा ना होवे तेरा एक बाग होवे ओ किस चीज का बाग होवे मिन नखीलिन खजूर दा होवे वो आइना बिन अंगूर दा होवे वद फज्जिर अल अनहार खिलालहा तफजीरा उन्हें दे दरमियान वल नहरा चलना पिया होवे ये सारा मंजर देखण तो बाद पिछे ईमान गिनो जिवें अज लोग आखदे जी फलां दी ये करामत फलाना ऐसा फलां बुजुर्ग ने ई कीते तो असा उन्हें दा लड़ पकड़ी वदे हैं फलां ने ये काम कीते हुण ओ भी ही नजरिए दे नाल तो फलां 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 ये काम कर रहे पिछे मने दसूं जी फलां ने फूका दीते वो मिट्टी दे भोरे जड़े हन वटे उसी नमक बन गई फलां काम कीते फलां बन गए हूँ नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दे भी उए मुशरिकीन मक्का अज इन्हें लोगों की भी लैना हुनैन और रलदियन उन्हें भी यो मुतालबे तेरा बाग होवे मिन नखीलिन खजूरें दा होवे वाइन बिन अंगूर दा होवे दरमियान में नहरा होवन। अच्छा चलो ये ना सही औ तुस्की दस समा या तो आसमान को साढ़े उत्ते सट आसमान को साढ़े उत्ते गिरा आसमान साढ़े उत्ते ढहे किवें कमा जामता अलैना किसफा जिमें जो तेरा गुमान है तो आधा वधी हर जाते भी ना मने सो तो अल्लाह की तरफों अदाब आ उसे वे तू साढ़े उत्ते आसमान गिरा सट ए जा के सफा टुकड़े टुकड़े करके अल्लाह अकबर औताती अबिल्लाह वल मलाइकती कबीला अगर ई न सही ए भी काम न कर बिया काम केड़ा ताती अबिल्लाह वल मलाइका सोने अल्लाह को और फरिश्ते को साढ़े सामने आन खड़ा अल्लाह अकबर औताती अबिल्लाह वल मलाइकती कबीला सोने अल्लाह को और फरिश्ते को साढ़े सामने आन खड़ा देख सू पीछे ईमान गिनना उसू वगर ना ईमान नहीं आने दे। अच्छा ये भी शर्त गई बिया मुतालबा जी देखो मुतालबा दी लिस्ट एक केंद्र नाल मुखातिब हैं इमाम उल अंबिया नाल मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब और ऐसे अंदाज अंदर मुतालबे के अवतर काफी समा आसमान तो चढ़वन लेकिन वलन नो अमीन अली रुकी का तेरे सखने आसमान ते चढ़ वजन वल भी असा तेरे उत्ते ईमान ना ने सू भी सिर्फ तू आसमान ते चढ़ गई ठीक है नहीं हत्ता तू नज़िला अलैना किताबन नकराउहु आसमान ते चढ़ वजन वालू तू किताब घेन के आ नकराउहु उको असा पढ़सू पीछे वन के ईमान घेनो सू अल्लाह अकबर हजरात इमाम अंबिया नाल मुतालबात उन्हें नाले सलूक आसमान ते चढ़ वो वल भी नहीं मनना जे तक किताब न घेना उसो
ਉਹ ਪੜਸੂ ਪਿੱਛੇ ਮਨੇ ਸੂ ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਖਰ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪਾਕ ਹੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪਾਕ ਹੈ ਹਲ ਕੁੰਤੂ ਇਲਾ ਬਸ਼ਰ ਰਸੂਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾ ਗਏ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਤਾਲਬੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਚਾਂਦਰ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਵੱਲ ਨਾ ਇਮਾਨ ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਅੰਬੇ ਨਾ ਅੰਬਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਲੂਕ ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਮਲਾ ਉਠਣੀ ਕੱਢੋ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਨ ਗਿਣਨਾ ਉਸਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲੇ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਦੋ ਡਿੱਠਾ ਆਏ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮਤਣ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਥੀ ਪਵੇ ਮਤਣ ਇਮਾਨ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਬਿਆ ਕੁਝ ਅਜ਼ਬਾ ਹਾ ਕਿ ਉਮਤ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਜੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਹਾਮਲਾ ਉੱਠਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਕਾਤਲ ਸਿੱਧਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਿਹਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਵੀ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਏ ਜੇ ਉੱਠੜੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਿਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਫਰਮਾਇਆ ਆਤਿਸ਼ ਅੰਨਾਸ ਯੋਮ ਅਲ ਹੁਦੈਬੀਆ ਹੁਦੈਬੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਬੜੀ ਤਰਹ ਲਗੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਤਨੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਥੀ ਹੋ ਪਾਣੀ ਗੋਲੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਔਰ ਚੰਦ ਕਤਰਾ ਤਨ ਮਿਲਣ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਉਂਗਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਥੀ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸਾਂ ਤਾਦਾਦ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਹੁਦੈਬੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਜੀ ਅਸਾਂ 1500 ਆਦਮੀ ਆ ਸਾਂ ਉਹ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਪਿਵਲਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਫੁੱਟੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਆਦਮੀ ਸੈਰ ਥੀ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤੇ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਬਿਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸਾਥੀ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਥੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੁੱਟਿਆ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਿਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਖੰਦਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸਖਤ ਆ ਗਏ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਬੁੱਖ ਕਨੂੰ ਪੇਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਤਰੁੜਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪੱਥਰ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਕੋ ਅੰਜ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਓ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬੁੱਖ ਕਨੂੰ ਨਿਢਾਲ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪੇਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਧੀ ਵਧੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਵੀ ਨਬੀ ਸੁਣਾ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਪੱਥਰ ਵੱਧੀ ਵਧਣ ਨਬੀ ਸੁਣਾ ਤਾਜੁਬ ਕਰੇ ਸਨ ਆਪ ਨੇ ਪੇਟ ਮੁਬਾਰਕ ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵੱਧੀ ਵਧਿਓ ਮੈਂ ਡੂਬ ਵੱਧੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਡੂਬ ਪੱਥਰ ਵੱਧੀ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਾਜਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਖਦੀਜਾ ਯਾਦ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਤਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਔਰ ਇਤਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਮਾਲ ਓ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥਾਂ ਗਏ ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਕਈ ਘਰੇ ਤੱਕ ਕਈ ਡਿਮਹਾਰੇ ਤੱਕ ਹੱਤਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਸਲਮ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੱਕਦਾ ਅੱਲਾਹੁਮ ਯਸ਼ ਸਿੱਧਿਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹੀ ਦੀਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਤ ਨਲ ਦੀ ਨਬੀ ਸੁਣੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਦਾ
खैर डू पत्थर बधिया हुए पेट दुते आप फरमाए ठीक है मैं आंदा पिया आयन हिक्का कुदाल मारी ने बाद रिवायात दे अल्फाज कि पहली कुदाल मारी ने फरमाए हाला का कैसर दूजी कुदाल ते हाला का किसरा ये अल्फाज भी नाल पढ़ते गए बाद रिवायात जाने के नहीं पहली कुदाल दे नाल ही पत्थर को रेजा रेजा कर दीते कैफियत हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिठी है चुपके नाल घर दो बंदन पे अहले रसूल जी थोड़ा जहा कम है मैं घर उठी आवा जी भी जा घर गए घर वाली को पूछ दे घर में कुछ है बई तो कुछ है नहीं थैली गोल हाँ थैली चाती ने अट्टे वाली जिन्हें अट्टा दाना रखते हैं जौ तो तकरीबन अढ़ाई किलो जौ पिया छोटा जहा एक मैमना बच्चा बकरी वाला वो खड़ा फरमावन लगते तू वो अट्टा पी इन्हें जौ को पीस मैं एक जिबा करे ना गोश्त बने ना जे तक आटा पी ही जीवन दे अट्टा लो तू गोश्त को बना मैं सुन नबी को सड़ी आवा नाल एक डूबे साथी आ तो चलो रल के खा गए ठीक है जी सारा कोई बनावन तो बाद हौले हौले बन के फास सरर तू हो कि सरा इसरार हौले हौले पूछीदा ताकि लोगों को पता ना लग मे अल्लाह रसूल जी घर खाना बनाई खाना तुसे शफकत करो आओ आपने फरमाए या अहला खंदक ओ खंदक वाले सारे साथियों भा जाओ तुम्हारे वास्ते जाबर खाना तैयार कर चुके फिर मैंने मैं परेशान थी क्या एक हाल ये तो सारे खंदक वाले को तो पूरा नहीं आवना खैर चुप करके घर वाल आया जल्दी जल्दी आया घर वाली को डेसी में हाल ही में बन गई नबी सुने ए नाल आग छोड़े अट्टा लोया लाता रहे भाजी पक्की दे खड़ी रहे अट्टा पकावना नहीं भाजी का ढक्कन लहावना नहीं लाती रहे मेरे आवन तक बीवी क्या जवाब देती वही मुवाहद है जड़ा गिदी आंदे आप पूरी करवे सी वदा तू घबरा ना पिया नबी अलैहिस्सलाम आ गए चाओ भी अट्टा आ गए हाँ भी कुन्नी आ गई है देगची आ गई है सालन आ गए आपने कुछ अल्फाज पढ़े जो अल्लाह ने चाहे और आपने दुआ की है अपना लुआ मुबारक अट्टे में सट्टे और लुआ मुबारक सालन में भाजी में जो देगड़ी के अंदर सट्टे फरमाए हूँ चाह वजो इतना ढक्कन थोड़ा जहा लाओ जिन्हें भी सालन बाहर आवे इको खोलना नहीं अपने मोहल्ले बिया औरत सारी गिनो जो रोटियां नाल रल के पकवा गिन रोटियां पकावन शुरू थी गिन सालन पावन शुरू थी गिन हजरत जाबिर फरमाने सारे अहले खंदक ने खा पी की दे मैं हैरान देखा बैठा भी निशान ते सालन पहले गिन ज्यादा लाते या थोड़ा लाते सालन उए मौजूद है अट्टा उए लाते दिया ए मौजज़ा है नबी अलैहिस्सलाम दा हजरात यो मिंबर है नबी अलैहिस्सलाम जिस वेले मिंबर बनवाए लकड़ी दा त्रै पौने वाला कोई पूछे भी तुसा ए त्रै कदम क्यों बनवेंदे हो ए त्रै कदम बनवाउणा नबी दी सुन्नत है सोने नबी दी सुन्नत है ए एक ते ही बंदा खड़ सकदे तल्ले ही खड़ के खुतबा दे सकदे नहीं ये आपदा तरीका है जिस वेले मिंबर है मिंबर तू पहले नबी सुना खजी दे दौड़ उत्ते हाथ रख के खुतबा इरशाद फरमाने हम मिंबर बन के आए आप बैठ बार बेजुमे मिंबर ते खड़न खुतबा देवन पे डुस्कार आवे जी मैं निका बाल रोंदा पिया होवे देख दिन ते खजी दा दुड सुक्का जिन्हें बिच जान कोई नहीं वो खजी दा दुड खड़ा रोंदे क्यों नबी अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत मौजज़ा है अगले के जिन अंदर जान भी कोई नहीं बेजान चीज के अंदर अल्लाह ताला ने यह जी कुदरत पैदा कर लीती है कि वो भी सुने नबी की जुदायगी बर्दाश्त नहीं कर सकया रोंदा खड़े आप जल्दी जल्दी तले लथन उनको सीने नाल लाने निके बाल को जिमें थपकी नहीं वेंदी है थपक्या डे डे को कुछ चुप कराए ने कि तई ए ना सोच वो खजी दे तना उदोडा कि मैं ते कुछ छोड़ गया ना ना मेरे दिल में तेरा वो ही मकाम है जरा पहले हा घबरा ना पिया वो पिछे बाद जो हौले हौले चुप कर गए हजरात ए जरा मौजा कि खजी दे दुद नबी अलैहिस्सलाम गुजरते पे हरणी ताजी व्याई हुई हरणी ओ बद्धी पई है दरख्त दे नाल अपनी जुबान हाल दे नाल आवाज दे दी है आदि ऐ आवन वाले साथी ऐ मोहम्मद मेरा मालिक त्रिजी जी बाहर बद्धी खड़े खीर कनो मेरे थन फट देन मेरे बाल भुखे पेन मेहरबानी कर मेरे को छुड़वा नबी सोना खड़ गए
ਇਹ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਖੁਦਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹਨ। ਉਹ ਫਰਮੈਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਖੁਦਰੀ ਹਦੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਵੀ ਵੀ ਉਹ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਮੀ ਨਿਕਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਬੱਧੀ ਵੀ ਉਹ ਖੜਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਬਧੀ ਖਣੀ? ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਧੀ ਖਣੀ? ਕੁਛ ਹੋਰ ਐ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਣੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਹਮੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਨ ਗੋਲ ਆਇਆ ਹਰਣੀ ਕਿ ਸੁਣ ਨਬੀ ਇੱਕ ਵੰਜ ਕੇ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾ ਖੁਦ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੋਲ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਖੋਲ ਲਿੱਤੀ ਨੇ, ਆਪਨੇ ਰੱਸਾ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੱਸਾ ਆਉਂਦੇ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਛੋੜੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਖੁਦਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰਣੀ ਆਦੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਅਸ਼ਹਦ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਵਾ ਅਸ਼ਹਦ ਅਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਲਾ। ਹਰਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਪੈਣ, ਚੱਟੀ ਵਾਲ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਖੜਨ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਇਹ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਬੇ ਪਾਸੇ, ਆਪ ਕਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ? ਆਪ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਗੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ੋਬਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੰਜਾ, ਛਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਨਬੀ ਸੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਗਿਣ ਪਏ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖ ਅਤੇ ਪਲਾਂਬੜੀ ਕੋ ਪਕੜੇ ਨੇ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆਏ, ਉੱਤੋਂ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਥੀਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਜੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹਾ, ਉਹ ਹਿਰਣ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਇਤਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ, ਇਤਨਾ ਉਹਨੇ ਸੁਝਾਣ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਆਪ ਸੱਲਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਕੋ ਪਕੜੀ ਹਨ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੋ। ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੂਹੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚਿਧਾਰੂ ਓਟਾ ਕਰਕੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਜਤ ਕਰ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਜਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਫਰਮੈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਗੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੁਣਾ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਔਰ ਦੂਹੇ ਦਰਖਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਹੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਮੈਂ। ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਜਜ਼ੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸੁਲੈਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਖਾਮਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਮਸੀਦ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰਨ, ਨਬੀ ਸੁਣਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿਥ ਹਨ ਡਿੱਠੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਸੁਣਾ ਹੌਲੇ ਆਲੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਾਂਪ ਗਿਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਮਰ ਸੁਲੈਮ ਕੋਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਸੁਲੈਮ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ? ਵੰਡੂ ਚਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਬਈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਘੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਡੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵਲਹੇਟ ਕੇ ਨੱਪ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਅੰਜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉੱਡਿਆ। ਨਬੀ ਸੁਣਾ ਮਸੀਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਗਿਣ ਸਨ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਥੀ ਵੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਜੋ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਮਸੀਦ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਨੇ ਡਿੱਠੇ ਆ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਭੇਜੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਸੀਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ਉੱਠੋ, ਸਾਰੇ ਉੱਠੀ ਪੈਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਦੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਦੁਰਕਿਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਨਬੀ ਸੁਣਾ ਆ ਪੀ ਅੰਦਰ ਪੈਣ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਤਨਾ? 80 ਬੰਦਾ, 80 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸੁਲੈਮ ਨੇ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੀਸੀ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਆਵਣ ਡੋ ਆ ਕੇ। ਨਬੀ ਪਾ ਨੇ ਫਰਮਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਰੇ ਹਨ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਭਰੋੜੋ, ਚੂਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਚੂਰੀ ਬਣਾਓ, ਭਰੋੜ ਕੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਉ ਸੱਟੋ, ਘਿਉ ਸੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਵੀ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਕੋ ਆਵਣ ਡੋ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਬਰਕਤ ਦੀ, ਲੁਆਬ ਸੱਟੇ, 10-10 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਖਾਂਦੇ ਗਏ 10-10, 80 ਮੁਕੰਮਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਉਹ ਮਿਹਰਾਜ ਹੈ, ਸੈਰ ਔਰ ਆਸਮਾਨੇ ਦੀ ਸੈਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੇ ਨੇ ਐਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨਸ ਜਿਨ ਸਭ ਤਾਪੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਤਾਵੇ, ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਦਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਹਵਾ ਕੋ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਚਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਉਡਰਦੇ ਹਨ ਵੱਧਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਮਾਨ ਕਨੇ
ਤੱਲੇ ਉਡਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਇਹੀ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਡਾਰਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਸੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਤੱਕ ਪੁੱਛਾਏ। ਮਹਿਰਾਜ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੌਜਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੌਜਦਾ ਮਹਿਰਾਜ ਹੈ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹੀ ਪਾਕ ਏ ਉਜ਼ਾਤ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਕ ਏ ਉਜ਼ਾਤ ਅਸਰਾ ਬੇਅਬਦ ਹੀ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਸੈਰ ਔਰ ਮਹਿਰਾਜ ਦੋਹੇ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸੈਰ ਨਬੀ ਸੁਣੇ ਕੋ ਮੱਕੇ ਕਨੂੰ ਰੱਖਤੇ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੱਕ, ਇਹ ਸੈਰ ਏ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣ ਉਹ ਮਹਿਰਾਜ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮੈਨ, ਬਾਤ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ, ਆ ਫਰਮੈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਮੇ ਹਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਤਾ ਨੇ ਆਤਿਨ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਠਾਇਸ, ਉਠੋ, ਮੈਂ ਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੰਦਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਰ ਮਕਸਦ ਇਬਤਦਾਈ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਕੁਝ, ਜਾਗ ਵਿੱਚ ਹਮੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਬੈਠਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਧੇ, ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕੈਸੀ, ਦੂਨਲ ਹਿਮਾਰੀ ਫੌਕਲ ਹਿਮਾਰੀ ਦੂਨਲ ਬਗਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਕਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਗੱਡਾ ਕਨੂੰ ਉੱਚੀ, ਖੱਚਰ ਨੁਮਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਅਵਿਅਸ, ਸਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਦੇ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬਹੋ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਵਾਰੀ ਵਿਦਕਣ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾਕ ਫਤਕਣ ਪਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਨ ਸਵਾਰੀ ਐਸੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀ ਕਪਕਪੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਥਈ ਜੋ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟ ਗਏ ਬੁਰਾਕ ਕੋ, ਬੁਰਾਕ ਕੋ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਸਵਾਰ ਥਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਮ ਕੌਣ ਪਕੜੀ ਵਧੇ, ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਨੂਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ, ਨੂਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਮ, ਲਗਾਮ ਪਕੜੀ ਵਧੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਰਈਸ ਹੈ, ਅਫਜ਼ਾ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸਵਾਰ ਹਨ ਉੱਤੇ। ਫਰਮੈਨ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥਾਂ ਬਕੀਆ ਅੰਬੀਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਅੰਬੀਆ ਕੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਡੂ ਰਕਾਤ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਰੇ ਬਰਤਨ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਇਨਾਮ ਮਿਨ ਖਮਰਿਨ ਵਾ ਇਨਾਮ ਮਿਨ ਲਬਨ ਵਾ ਇਨਾਮ ਮਿਨ ਮਾਇਨ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੀਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਫਖਤਰ ਤੁਲ ਲਬਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੀਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਚਾ ਗਈ ਤੇ ਪੀ ਗਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਫਰਮਾਏ ਫਾ ਸਭ ਤਲ ਫਿਤਰਾ, ਤੁਸਾਂ ਫਿਤਰਤ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਵੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਬੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ, ਬੁਰਾਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਸੀੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਅਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਫਰਮੈਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਫਸਤਫਤਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਲਬ ਕੀਤੇ, ਖੜਕਾਏ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਤਾ ਕੌਣ, ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਜਬਰੀਲ, ਕਾਲ ਜੀ ਜਬਰੀਲ, ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਹਾਂ, ਕੀਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਵਾ ਮੰਮਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ, ਕਿਆ ਕਦ ਉਰਸਿਲਾ ਇਲੈਹੀ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਰਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਮ ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ, ਮਰਹਮ ਬਿਹੀ ਵਨੇਮ ਅਲ ਮਜੀ ਹੋ ਜਾ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁ ਅੱਛਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਫਰਮੈਨ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਹਾਦਾ ਆਦਮ, ਇਹ ਅੱਬਾ ਆਦਮ ਬੈਠੇ ਵੇ, ਫਸਲਮ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮੈਨ ਫਸਲਮ ਤੋਂ ਆਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤੇ, ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਮੈਨ ਮਰਹਬਮ ਬੇਬਨ ਸਾਲੇ ਵਾਇਬ ਨਬੀ ਯੂ ਸਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੀ, ਮੇਰਾ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੀ ਔਰ ਨੇਕ ਨਬੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਨ ਚੱਲੇ ਗਏ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ, ਫਸਾਈਦਾ ਫਸਾਈਦ ਸਮਾ ਸਾਨੀਆ, ਦੂਜੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਾ ਕਫੀਅਤ, ਫਸਤਫਤਾ ਕੀਲਾ ਮਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੜਾਏ ਗਏ, ਕੌਣ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜਬਰੀਲ, ਕੀਲਾ ਵ ਮੰਮਾ ਕਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ, ਕਦ ਉਰਸਿਲਾ ਲਈ ਆ, ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਮਰਹਬਮ ਬਿਹਿ ਵਨੇਮ ਅਲ ਮਜੀ, ਅਜਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਏ, ਅਗੂ ਦੂਜੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
मुख्तसर सर तर्जमा ही दसावा। दूजे आसमान दे उत्ते हजरत याहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद, आपस दे रिश्तेदार भी थीने हन। त्रीजे आसमान ते गए, दरवाजा खटखटाया, उही सवाल जवाब। त्रीजे आसमान ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान ते गए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पंजवें आसमान ते हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छेवें आसमान ते गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सतवें आसमान ते गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जरे टुरन सतवें आसमान दो रवाना थन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोवन पै गए। ले मतलब की क्यों रोंदे पियो? उन्हें कहे इन अपनी हादा इन्ना हादल गुलामा, ये छोटा बच्चा, ये गुलाम बुझ समिम्बादी, मेरे बाद ए नबी बने, पर इंदी उम्मत मेरी उम्मत गनु ज्यादा जन्नत विच वैसी। नऊज़ बिल्ला, अस्तग़फ़िरुल्लाह, हसद बौज कीना ना हा, लेकिन उन्हें को अपनी कौम ने जड़ा सताया हा, वो उन्हें को याद है, देखो भी मैं इतना मेहनत की त्या, सबों के बावजूद भी कौम ने मेरा आख्या न मनिया। ये नौजवान आए, मेहनत की थी, और इतनी कौम ने, इतना सरखेज कौम कि पूरी दुनिया के कोने के अंदर इस्लाम फैल गए। सुना नबी आसमान ते पहुँचे सतवें ते, अब्बा जी आदम में हजरत इब्राहिम मिले, उन्हें फरमाया मरहबम बेबन साले बिन नबी ये साले, खुश आमदीद तो बाद। हजरत इब्राहिम सतवें आसमान ते फरमाया फसोईदा भी इला सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा बेरी दे दरख्त तक घन घन, बेरी दे दरख्त आखिरी इंतहा है, ये ओ जा है जितु तलु वंजन वाली खबर उथे ही रुकती है, उतु आवन वाले भी उतो रख दी है, और अगते सिपलाई थी नहीं है, उतु मन के खड़न और आदन के एज रे उदे बेर दे फल लाई बेर दा दाना जिमें जला कलाल इलाके दे मटके भी एक बेर को पंजवी आदमी खा सकते हैं, इतना मोटे बेर उदे परवाने उते उड़न वाले पत्ते जिन्हें को असा दो भी को टिंडिया जिन्हें को आदमी टिंडिया ये सोने ते चांदी दिया, सोने चांदी दिया टिंडिया उत्ते पत्ते सोने चांदी दे। नबी सुना हैरान परेशान भी ये जी खूबसूरत तो ये भी मालूम थे सत्ते समान जो उत्ते बेर गई खड़ी है तो बेर की भी कोई हैसियत है, बेर दे दरख्त का भी कोई मकान है, तो सत्ते आसमाने कन उत्ते सिदरतुल मुंतहा गुसल देवना हो मैयत को तो बेर दे दरख्त को लो, शहद माखी गोलनी हो बेर दी। खैर नबी अलैहिस्सलाम को उतु बैतुल मामूर दो घन के दागे, बैतुल मामूर घन कोई आदमी कोई फरिश्ता रकू की हालत में, कोई सजदे की हालत में, कोई क्याम की हालत में, जड़ा जिथा भी है वह उतो ही अपनी इबादत मस्त है। अल्लाह तबारक व ताला नाल बजरिया वही कलाम थी है, बजरिया वही ये तो बहुत बड़ा मसला है कि नबी अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट अल्लाह नाल मुलाकात की थी, अभी गलकड़ी पाती ने और हम कलाम थे ने झूठे। सूरत नजम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने जिता ये आयत जितू दलील की थी मेरी है कि आप दा अल्लाह को डिठा गए या आपस ही मुकालमा थे डायरेक्ट बगैर वही दे ओ फता दन फता फता दल्ला कि अल्लाह सुना करीब दिन सुम्मा दना फता दल्ला कि अल्लाह सुना करीब थे फका बका हुसैन एडू कौसैन जिन्हें कमाने दे अलिकार आपस जिन्हें मिल गए उतो ये मुराद नहीं फता दल्ला तो मुराद भी करीब थे एडू हैं आयतें तो मुराद एडू हैं फिक्रे तो मुराद जिबरील अमीन है, जिबरील अमीन नबी अलैहिस्सलात व सलाम की जिंदगी के अंदर दो दफा अपनी असली शक्ल में आए है कि थे सिदरतुल मुंतहा उत्ते हजरत जिबरील तकरीबन 600 परे की हालत में आए पर उत्ते समान तो लगता दूजा तले असली हालत नबी सुने ने एक दफा उतें रिठा दूजी दफा गार वाले मौके उत्ते आए हैं दो दफा नबी सुने ने हजरत जबरील को असली हालत में डिठे जिता ना वह वराव नजरत उखरा कि नबी सुने ने दूजी दफा डिठे दुहाएं दफा जबरील अमीन न के अल्लाह तालन इंदी नफी हजरत खुद नबी सुने ने खुद की है। साहब ने सवाल किए अल्लाह रसूल जी उत्ते गए जो हावे अल्लाह सुने को मिले हावे डिठा हावे या कोई ना, आपने फरमाया नूर उन फाना आ रहा हूँ वो तो नूर है रोशनी है मैं उसको किमें देख सकता। खुलासा सही मुस्लिम की हदीस है अमियाशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइए बैठे उन्होंने घर हजरत उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है ओ आके पूछते नमी तेरा क्या ख्याल है नबी अलैहिस्सलाम दे बारे कि उन्हें डिठा अल्लाह सुने को या ना, अमी उठी बैठे फरमाइए गाल सुन त्रै चीज़ा जिन्हें यह अकीदा बनाया फकद आदम अल्लाह अल फरिया
उन्हें लोगें अल्लाह उत्ते बहुत बड़ा झूठ खड़े हुए। पहला अकीदा यह है कि जड़ा आखते कि नबी सुने कोई शायद छुपाई है दीन विच लुकई है वह फकत आदम अल्लाह फरिया वो इंसान ने भी अल्लाह उत्ते बहुत बड़ा झूठ खड़े। और हालांकि अगर अल्लाह सुना दे प्यारे पैगंबर कोई शायद लुकावना चाहते तो आपने नूह वाला निकाह जैद बिन हारसा अपनी बीवी जैनब को छोड़े तलाक रीति है नबी सुने उन्हें नाल शादी की है अरब का रिवाज आ मुँह बोला बेटा उन्हें घरवाली नाल निकाह जायज करना नबी सुने किते अगर छुपावन की गाल हो या छुपावन हा नबी सुने कोई शह नहीं छुपाई। दूजी गाल जड़ा आख दे कि नबी सुने को कल की भी खबर है गायब का इलम जान दे फकत आदम अल्लाह फरिया ऊ भी अल्लाह तला उत्ते बहुत बड़ा झूठ खड़े। और त्रीजी चीज यह कि जड़ा आख दे कि अल्लाह सुने को नबी सुने डायरेक्ट डिठे ऊ भी फकत आदम अल्लाह फरिया ऊ भी अल्लाह तला उत्ते बहुत बड़ा झूठ खड़े। हजरत और मैंने एडू आयतर पेश कितिया कि कुरान आख दे कि उन्हें दूजी दफा डिठे अमी फरमाए जबरील अमीन मुरादन तू कुरान की आयत नहीं पढ़ सकता ला तुद्रिक हो अबसार के उक निगाह पा ही नहीं सकदियाँ उक निगाह देख भी नहीं सकदियाँ। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने मुतालबा किया अल्लाह मैं तेको देखना चाहना अल्लाह सुने फरमाया आ पहाड़ ते तू पहाड़ ते आकर खड़ उधाई अगर तू पक खड़ गियो तो जल्दी मेरी तेन देख की थी तो तू मेक भी देख गिन से अल्लाह सुनी में थोड़ी जी रोशनी दी लाइट सटी है तजल्ली फखर्रा मूसा साइका हजरत मूसा डठे बाद जो होश आया फरमावन लगे अल्लाह से वाकई ये अखी देख भी नहीं सकदियाँ जड़ी रब ताला दी जियारत दीदार वालिया अखी इन क्यामत तलवार अल्लाह ताला स्पेशल बने सन इन्हें अंदर तब्दीली थी से अख अल्लाह दी नूर को नहीं देख सकदियाँ। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सोने को नहीं डिठा न जफ्फी पाती है गलकड़ी पाती है न डायरेक्ट कलाम थी है कुरान आदे फयूहा सिदरतुल मुंतहा उत्ते वन के भी वही थी है वही दे जरिए नाल कलाम थी है। हजरत हजरत मोहम्मद रसूल सल्लम को तोहफे दिते गए त्रै तोहफे एक ओ तोहफा पांच नमाजें अल्लाह मशहूर सुनया हो पहले पंजा मेले वाल आंदवेन करेंगे पांच बच्चा अल्लाह सुने फरमाए मेरे मुँह में पंजा निकती है मेरी गाल तब्दील नहीं भी थी तेरी उम्मत पांच पड़सी सवाब पंजा दा रेसा सवाब पंजा दा अफसोस है एक नमाज जमात नाल पढ़ो सतावी नमाजों का सवाब पांच जमातां पांच नमाजा जमात नाल पढ़ो एक सौ पंजवी एक सौ पैंतरी नमाजों का सवाब पंजा नाल अल्लाह सुने वाला वादा ना रलो एक सौ पचासी नमाजों का सवाब जड़ा पांच नमाजा जमात नाल पढ़ते हो पांच नहीं पढ़िया एक सौ पचासी पढ़ी खड़े जय पांच नमाजा छोड़न वह एक सौ पचासी छोड़ी खड़े। हर आदमी अपने गरबान में जाति पावे कितना छोड़ी खड़े ये तो फूजा भी तेरी उम्मत जहाँ शिरक नहीं किया वो एक ना एक दीवार लतरेशन तो बाद जन्नत में जरूर आउसी अपने गुनाह की निस्बत नाल गुनाह की मकदार के नाल उन्हें झंड छोला थीवन तो बाद जन्नत में जरूर जरूर आउसी लेकिन जै शिरक किते जरा जितना वो जन्नत नसीब कोई नहीं हो। त्रीजा तोहफा सूरत बकरा ज आखिरी डुआता जड़ा बंदा रात का पढ़ के सुमसी लाका फता हो वह को काफ़ी आसमान उत्ते सड़ के अल्लाह ने यह तोहफे दिते और दावत भी की है प्यारी प्यारी मेहमान कौन इमाम अलंबिया मेजबान कौन कायनात दा खालिक बड़ा अजीब समा वो देखो ये जरे जड़ा कायनात दे दुनिया दा मालिक हर शह दा मालिक हर शह बनावन वाला देखो अपने प्यारे मेहमान को खवेदा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने दूध पेश किते मेहमान नवाजी के अंदर अज असा जिता मैंने असा क्या कोई भी मेहमान मिले तो बरेलवी कुकड़ कुठी लाती होंगी है तो बरेलवी कुकड़ नहीं ना बरेलवी अकीदा होना चाहिए बरेलल कुकड़ी नहीं दूध की दावत जी अल्लाह ने पसंद की है शराब है और पानी खीर शहद नबी अलैहिस्सलाम खीर को पसंद किए बल्कि हूँ सिदरतुल मुंतहा उत्ते चार नहरी हैं एक एक नहर के बच्चों वो बर्तन भर के ले दिता गया और उतें आपने दू नहर जिन्हें ना सहान ते जयहान है उतें ही डिठन और डू नहर आपको फरमाया गया भी वो नील और फुरात जरा जमीन के उत्ते है मिसर के नाल ही ये डू दरिया ये जन्नत नहर डू उत्ते हैं वापसी वलियन ये सारा माजरा जान दो वापसी आके कौम ने क्या किया क्या ना होया लेकिन उतों मन के जो चंद मुशाहदे किए मैं हूँ तस्करा करके बात करीब करूँ टाइम करीब थी चुके नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत दिखाई गई है जन्नत में आपने हजरत बिलाल की जुत्ती की आवाज़ सुनने का
मुशाहदा किते। जन्नत च ऊ औरत दा घर, ऊ औरत दी खुशबू, उंदे घर दी खुशबू भी आपने सूंघिए। जिस वेले पुछे आए जबरील, ए जिहड़ी खूबसूरत चंगी ते सोहणी ए खुशबू कहिंदी है? फरमाया ए हादा मुशात ता फिरौन, ए फिरौन दी मुशाता। कौन मुशाता? मुशाता निशात कंघी को, फिरौन दी नुकराणी जिहड़ी उंदी धी को कंघी देंदी है। एक बार कंघी देंदी बैठी है ते कंघी तले ढह पई है, जू ही डटी है जी मैं सदा बिस्मिल्ला तू आके बिरबे मूसा अल्लाह का नाम गिन के कंघी चाती है। वो फिरौन को रब नहीं मनिया, धी द्रोक के मन की पीऊ को दसें दी है, अब्बा जी ते कुते नुकराणी है, रब भी नहीं मने दी, ते कुते रब भी नहीं मने दी, रब तभी है। ऊह वाले पकड़ के कतल करा दीते। हज़रत जिब्रील फरमाया अल्लाह दे रसूल जी खुशबू जी आँदी पी जन्नत में, ये वो मुशाता फिरौन जी उंदी और उंदा खामद और उंदे बेटी उंदा घर ही वे महल ही वे। इवें ही हज़रत उमर दे मकान की ज़ियारत और जहन्नम बाद लोगों ने काफ़ी सारा ज़ईफ ते मन गणत गाल ही बनाए, लेकिन मेरे मुताले अंदर ये दो चार वाक्य जो जन्नत अंदर आपको पेश हैं डिठन। उस बाद जहन्नम का आपको मुशाहदा कराए, जहन्नम के अंदर नबी अलैहिस्सलाम फरमाइंदे कि मैं डिठे कि वह अमर बिन लुहाई जै बुते ने ना तो सब तो पहले पहले चढ़ावे चढ़ाया, वो आदमी उंझ आंदरा बारू निकचा पे, वो बारहू तवाफ खड़ा करें वे। इवें ही बयाए नहीं आप फरमाइंदे मैं वो गिले ते गीबत करने वाले आदमी को भी डिठे कि वो जहन्नम के अंदर सड़दे खड़न, उन्हें जो आंदरा सारे बारहू निकचा पे और वो भी चक्कर खड़े कटे। मैं पूछे जबरील करूँ ये कौन है? जबरील जवाब देंदे अल्लाह दे रसूल जी ये वो हैं तुहारी उम्मत दे लोग जड़े अपने भिरावें का गोश्त खाते हैं। आपने फरमाया किवें? भी गीबत करेंदे हैं। और आपने फरमाया मैं वो भी ओला मार इठन कि जड़े जिन्हें जहन्नम के कैंचे के नाल जुबाना दे थोड़ कट्टे वेंदे पे हैं। मैं पूछे कौन? फरमाया हा उला ओला मा उम्मत का, ये तुहारी उम्मत के वो ओला माएन जड़े आधे हैं भी इन्हें को लगन खुद अमल ना करेंदे हैं। इन्हें चंद एक चीज़ों ने मुशाहदे तो बाद नबी अलैहिस्सलाम वापसी है और असल में के मेराज ये सैर कढ़न थी है। इन्हें बहुत इख्तिलाफ है, बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन खुलासा अक्सर अकवाल जड़े कवि कुछ मज मिलते हैं ज्यादा शवाहद वो सतावी रजब दिन, ये रजब के महीने के अंदर सतावी रजब को नबी अलैहिस्सलाम दे मेराज दे इस सैर दे इन मौजज़े दे चंद शवाहदात मिलते हैं। बात को मुख्तसर करें जो हैं इन अंदर काफ़ी सारे ऐसा बातें हैं, लेकिन मैं आखिर अंदर कल दी ते आज दी निहार दी निस्बत नाल रजब दे हवाले दे नाल एक अहम बात दी तरफ भी इशारा करना चाहना। वो बावी रजब है, रजब दा महीना, महीने दी निस्बत दे नाल मेराज महीने दी निस्बत नाल बावी रजब को एक अजीम उल मर्तबत सहाबी फौत थीने पन। बात को याद करे बाज सोदे सादे मुसलमान सादा लहु मुसलमान रल्य नाल कतारे दा शिकार है जे कुछ डिठा। हाँ यार एक नहीं है टिकड़े खावी जी, ठीक है जी टिकड़े अच्छे हैं ना जी, हाँ बड़े देसी घ्यू दे बने हुए हैं, वो इन्ना रलिया बैठे खावन उनको पता नहीं जो टिकड़े की तारीख क्या है। ये टिकड़े वो सहाबी रसूल जानी सारे रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वफात दी खुशी के अंदर शिया हजरात खारजी और राफजी हजरात अंदरून खाना खुशी का इजहार करें हुए गुगड़े प्याले और टिकड़े इबावी रजब वाली रात बढ़ाए वेंदन सारी रात जागो इसी रजब दे कूंडे। ये जी सजाफिर सादिक दी कहानी वो कौन हा लक्कर हारा, वो लक्कर हारा कितों दा आओ केड़े बाग दा कपड़ा ला केड़ी जेल में ढक क्या क्या माजरा कई ना कोई नहीं कोई जगह इलाके वतन पतन दा कोई पता नहीं। हालांकि सारी कहानी मन घड़त है, ये असल हकीकत है कि बावी रजब को अमीर मुआविया दी वफात है। कौन अमीर मुआविया जड़ा इन्हें खारजे और राफजे को चुभदा चुभण वाला कंडे वाली कार चुंबण वाला क्यों जो त्रै साल ला के इन्हें राफजी और खारजी का कला कमा कीते। कौन खारजी और राफजी जिन्हें हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, जिन्हें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद किया, हत्ता के जुल्म दी ए जरी इंतहा हजरत अब्दुल्ला बिन खबाब बिन अर्थ पे वेन वो इलाके कनू गुजरते पे इराक के इलाके कनू ऐसा बदबख्त इराक नबी सोने को भी दुआ किया दुआ वास्ते आख्या गए
आप दुआ बैठे करें जन अल्लाह मुबारक लना फी मदीना तिना वफी साइना वफी मुद्दना अल्लाह सारे शहर मदीने में बरकत पा इन पैमाने सात मुद किलो ढाई किलो पांच किलो वाले वजने दे अंदर बरकत पा। एक दफ़ा फरमाए एक साथी बेटा आ दे अल्लाह रसूल जी वफी इराक ना इराक दे वास्ते भी दुआ आप चुप। दूजी दफा दुआ की अल्लाह मुबारक लना फी मदीना तिना वफी साइना मुद्दना ऊँ आके वफी इराक ना आप चुप। त्रीजी दफा वा तू आके वफी इराक ना आपने फरमाया नहीं इराक वास्ते दुआ नहीं हुना जलाजल वल फितन इराक वो जगह है जितु जलजले जितु फितने जितु आजमाइशा निकल सन जितु आजमाइशा हकीकत है मदीना को दारुल खिलाफा छुड़वा के कूफा बनाया गए हजरत अमीर अल मोमिनीन हजरत अली कूफे गए वापस न बल्ले हजरत अबू मुस्लिम गए मुस्लिम बिन अकील गए वापस न बल्ले हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला नु गए वापस न बल्ले अब्दुल्ला बिन खबाब बिन अर्थ पे वेंदन जाल में रोगी थे कौन मैं जलील अल कदर सहाबी खबाब बिन अर्थ दा बेटा और मैं भी खुद सहाबियत दे शर्फ तो फायद हाँ। अच्छा पकड़ के उठे जिबा कर लिता गए पकड़ के जिबा कर लिता गए नाल उन्हें दी बीवी है बीवी को पूछदन तू कौन और बड़ी बेचारी लावार से अंदाज और बड़ी ही धीमी आवाज मेरा कोई कसूर नहीं मैं गरीब जादी और हामला खातून हाँ मेरे पेट में अंदर हमल है मेकू कशन आखो उन्हें जाल में पेट में खंजर मार के बाल सामने कर सट्टे जमीन ते तड़पती मर गई है ए ओ खारजी जिन्हें का सफाया हजरत अमीर मुआविया ने किते कौन अमीर मुआविया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए अल्लाहुम्मा अल्लिमिल किताब अल्लाहुम्मा अल्लिमिल मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़ीहु अज़ाब ऐ अल्लाह मुआविया को किताब व हिसाब व किताब दा इल्म सिखा ऐ अल्लाह इको अज़ाब तू बचा बे मौके दे फरमाए अल्लाहुम्मा अल्लिमहुमुल किताब वल हिसाब व मक्कन हो व मक्कन लहू फिल बिलादी व वक़ीहुल अज़ाब ऐ अल्लाह मुआविया को हिसाब किताब दा इल्म सिखा दे और इकू शहर दा इक्तदार दे ऐ अल्लाह इकू हुकूमत अता फरमा ऐ अल्लाह इकू अज़ाब तू बचा बे मौके ते सुने नबी पाक दे अल्फाज अल्लाहुम्मा दे मुआविया अल्लाहुम्मा हादियन व महदियन वादे भी ऐ अल्लाह मुआविया को हादी बना रहनुमाई करण वाला बना खुद हिदायत याफ्ता बना अल्लाह इन्हें जरिए लोगों को हिदायत अता फरमा ए ओ अमीर मुआविया जिन्हें जिन्हें इन्हें खारजें राफजें शीएं का कला कमा किते आज उन्हें जाल में को नहीं पुछदा हजरत अमीर मुआविया दी वफात बावी रजब को बावी रजब के जालम उठी के सारी रात जाग दें और ना क्या जी रजब दे कूडे सादक हजरत जाफर सादक फला फला सब कहानी झूठे अंदरून खाना हजरत अमीर मुआविया दे वफात दी हार करन अस मुसलमान को चाहिदा है मुहब्बत दे हार करूं इन नाल शरीक नहीं थीवना इन दे ऐशे टिकड़े गुगड़े प्याले कूंडियां वगैरह न चाह के देवन न खावणन न देखणन न पकावन देवणन घर अंदर जाए खादा वो भी सहाबा का दुश्मन जाए पकाया वो भी सहाबा का दुश्मन नबी अलैहिस्सलाम फरमाएन ला तसुब्बु सहाबी मेरे सहाबा को गाली मत दित्या करो मन सब्बा सहाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमईन जाए मेरे सहाबी को गाली दीती उंदे ते अल्लाह की लानत फरिश्ते की लानत सारे जहान दे मोमिन लोगों की लानत हजरात हकीकत तो आशना थी वो बावी रजब और ये रजब दे महीने को खास निस्बत पिछू भी है और ये तारीख नल भी है हजरात नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज कीता ये तारीख दे अंदर बावी अपना सतावी रजब को नबी अलैहिस्सलाम नमाजा चाह के आए नबी अलैहिस्सलाम सूरत फातिहा दी आखिरी दुआ आयतें वाला तोहफा याद रखो सुना नबी बैठे ने एक दफा अचानक आवाज़ थी स्वामी नकीद मिन समाए आसमान तो आवाज़ आई है ठाका थे धमाका आपने पूछे जिब्रील अमीन नाल बैठे ना जिब्रील कह दी आवाज़ है आए अल्लाह रसूल जी ये ओ दरवाज़ा खुले जड़ा आज तक नहीं खुलिया ओ फरिश्ता जमीन ते आना पे जड़ा आज तक आया ही कह नहीं फरिश्ता आ गए फौरी आदे अल्लाह रसूल जी अबशर बे नूरायन डू नूर नाल खुश थी वनो केड़े डू नूर एक सूरत फातिहा और सूरत बकरा जा आखिरी डुआत तुआडा उमती जड़ा रात को सुमन वेले ए डू आयता पढ़ के सुमसी लक फताहू उकू ए डू आयता काफी और केड़ा डू आयता
کہ گھر بہ کے ترجمہ چا پڑھے اللہ ربنا لا تواخذنا، اے اللہ میرا مواخذہ نہ کری بھاویں میں کوئی گناہ جان بوجھ کے کیتی کھڑا یا نسیان تے غلطی نال تھی گئے، اے اللہ اے جڑا میرے تے بوجھ نہ سٹ کے میں چاہ نہ سکا، ربنا اغفر لنا ولوالد، ربنا اغفر لنا، اے اللہ میرے کو بخش ورحمنا، میرے تو رحم کر، وعافنا معاف کر دے، وانصرنا وانت مولانا وانصرنا للقوم الكافرین. اے آخری آیت مطالعہ کرنا ہے، پیندا ترجمہ بھی دیکھنے اور روزانہ رات کو پڑھ کے سننے. اللہ تعالیٰ جو دعا ہے جو سنے سنائے رجب دے حوالے نال، اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ اپنا من توفیق نصیب فرمائے. وما علی اللہ فرمائے.